करना ना भूलें और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ये कि बस पूछो मत, सातवें आसमान का समझो हम ही है। और पंच लग रहे थे तो उस टाइम पे अग्रेसिव होना तो लाजमी था, क्योंकि मैं भी एक कोचिंग का प्लेयर रहा हूँ और मुझे पता है कि पंच किस हिसाब से मीत मार रहा था। और जो चीज अमित को कोच साहब ने सिखा रखी थी, आज अमित का उसका प्रदर्शन देख के मुझे पूरा यकीन हो गया कि ओलंपिक में भी वो देश के लिए गोल्ड देख रहा है। और पूरी उम्मीद है पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को, एक बार फिर से जो हमारा तिरंगा झंडा है वो सबसे ऊपर लहराएगा जापान में। आप बार बार एक बात कह रहे थे कि एक साल से इंतजार था इस बॉक्सर का जिसके खिलाफ मैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल पिछले साल सितंबर में हमबर्ग में 2017 में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी बॉक्सिंग की, तो उसमें अमित क्वार्टर फाइनल में जाकर इससे लॉस हो गया था। तो वो एक साल से मैं मलाल था कि कब ये दोबारा प्लेयर, ये ओलंपिक चैंपियन जो हमारे सामने आए और इससे हम हिसाब बराबर करें, और वो सपना आज पूरा कर दिया। अब आगे की क्या तैयारियां, क्योंकि अभी ओलंपिक है, ओलंपिक के लिए क्योंकि आप भी बॉक्सर हैं, किस तरह की तैयारियों की जरूरत है और क्या उम्मीद है? हाँ जी, अगले आने वाले दो साल भी, जैसे ये साल भी काफी बिजी था, तो अगले वाला साल भी पूरा फुल पैक रहेगा, क्योंकि 2020 में ओलंपिक है तो उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, और तकरीबन पिछले 1.5 साल से उसी की तैयारी में जुटे हुए, इंडिया कैंप में लगे हुए हैं, तो वहाँ कोच जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐप को डाउनलोड करना ना।